तो गाइस कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं डॉट फटेक। मेरा नाम है सैम और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहिए और कब स्टार्ट करना चाहिए और कब वीडियोस अपलोड करना चाहिए। मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो मैं पहले मैं आपको यूट्यूब का इम्पोर्टेंस समझा लेता हूँ। तो YouTube एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं या टाइम पास करने आते हैं, दोनों में से कुछ भी करने आते हैं, अपना जो मनपसंद चीज़ सर्च करते हैं और उनको मिल जाता है। क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कुछ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको YouTube स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि अपने इंडिया में जियो की वजह से 50 मिलियन जो सब्सक्राइबर है जियो के, वो कभी ना कभी इंटरनेट यूज़ करते रहेंगे। उसमें से आधे लोग तो YouTube कभी ना कभी यूज़ करते ही रहेंगे। तो सोचो अगर आप किसी जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, जैसे लास्ट टाइम कैसे जियो का सिम कार्ड बार कोड ये जनरेट करते हैं, तो देखा है ना आपने यूट्यूब पे कितने लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। तो ऐसे आपको कोई ना कोई जो प्रॉब्लम तब भी चल रही है उस पर वीडियो बनाओगे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओगे, तो आपको 110% सब्सक्राइबर मिलना ही है और आपका चैनल ग्रो होना ही है। और आपको मिसलीडिंग टाइटल नहीं डालना है कि भाई ये जियो का 100 Mbps स्पीड बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं डालना है क्योंकि उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं और ये थोड़ा काम नहीं आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है यूट्यूब में आने के लिए, पहले तो चैनल बना लो, अच्छा लोगो डाल दो, अच्छा बैनर बना लो और थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी डाल दो और अच्छी यूट्यूब चैनल नाम डालो कि कोई पहचान सके। तो फर्स्ट वीडियो ऐसा बनाओ कि किसी के लिए सॉल्यूशन हो, जो 25-30 लोग भी वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन का, तो वो सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आपके चैनल तक आए और आपके चैनल को व्यू करे, उसमें से 10 आपको सब्सक्राइब करें। तो ऐसे 10 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, लाख आएंगे, तो आप समझ ही गए रहेंगे कि ऐसे यूट्यूब काम करता है। तो आप देखते रहेंगे कि भाई आधे लोग नए नए यूट्यूबर हैं, अभी 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गए, तो भाई इसी का कमाल है, ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ लो और उस पर वीडियो बना लो और आपको अच्छे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको किस में इंटरेस्ट है वो सब पहले डिसाइड कर लीजिए। आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। सेकंड फनी में, मतलब कोई मीम्स बनाएंगे, कोई फनी वीडियोस बनाएंगे एंड ऑल, कभी कोई प्रैंक बनाता है, कोई कुकिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं। तो अपना इंटरेस्ट का यूट्यूब पे डालिए। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं आए ना, इम्पॉसिबल है, पहले तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो, तो आपको 110% सब्सक्राइबर आना ही है। तो आपको क्या करना है, रोज़ या 2 दिन में एक वीडियो डालना ही है, तो आपको सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने सितंबर या अक्टूबर के बीच में कोई वीडियो नहीं डाला था, तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। मैंने अक्टूबर से या नवंबर से तय किया कि भाई नहीं, अब नहीं चलेगा, तो मैंने वीडियोस अपलोड करना कॉन्स्टेंटली चालू कर लिया। तो भाई कभी कभी कंटेंट थोड़ा फालतू भी रहता है, पर उसको अपलोड कर देने का, क्योंकि उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपको सब्सक्राइबर मिलना ही है। तो थोड़ा फालतू वीडियो हो जाए, एक बार अच्छा बना लो, ऐसे थोड़ा आगे पीछे बनाते रहो तो वीडियो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही आपको अपलोड करना है, रोज़ करना है या 2 दिन में एक बार करना है अपलोड, तो आपको सब्सक्राइबर मिलना है। और सबसे पहली चीज़, पैसे कितने मिलेंगे सब पूछते हैं। भाई यूट्यूब से आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, पहले तो एक बात बता देता हूँ, इंडिया के लेवल के हिसाब से आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो आप पैसे की भी चिंता मत कीजिए, पहले अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो पैसे ऐसे ही आने लगेंगे। तो इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप किसी का कॉपी मत कीजिए या किसी का कुछ ऐसा चीज़ मत लीजिए जो कॉपीराइटेड है, या कोई इमेज ऐसा मत लीजिए जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि भाई सू तक भी किया है, आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस अपना कंटेंट बनाइए, किसी का कॉपी मत कीजिए, मतलब पूरा वीडियो मत ले लीजिए, थोड़ा आइडिया तो ले सकते हो क्योंकि अपन इंस्टाइन और टेस्ला तो है ही नहीं, तो फट से अपने को आइडिया आएगी, तो थोड़ा कॉपी कर सकते हो ठीक है, पर पूरा कॉपी मत कीजिए, आइडिया ले सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको वर्डिंग भी कॉपी नहीं करनी, अपने हिसाब से बताइए तो लोगों को एंटरटेन होएगा। दूसरे लोगों का कॉपी करोगे तो वहाँ तो सबने देख लिया है, आपके उधर क्यों देखेंगे। तो आपको ये समझना चाहिए, और आधे लोग जो कॉपी करते हैं उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई किसी को कॉपी क्यों करें, वो बेचारा ढूंढता है और आप कॉपी कर ले तो ये क्या है, ये क्या है। अपना दिमाग चलाओ और जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ही जाओ। तो यही था जो मेरे वीडियो का जो टाइटल है एंड ऑल, जो बताना चाहता था अपने इंडियंस लोग को स्पेशली, इसलिए मैं हिंदी में कॉमेंट्री दे रहा हूँ। तो आप समझ ही गए रहेंगे कि भाई यूट्यूब में सब चीज़ मिलेगी, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, पहचानेंगे लोग और आपको आराम मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़।
आप पैसे भी कमाओगे, आराम भी करोगे, 9 to 5 जॉब नहीं करोगे, समझ तो गए है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आपकी वीडियो देखने के लिए।